रक्षाबंधन के दिन एक युवक ने अज्ञात कारणों से अपने घर में फांसी लगा ली। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। द्वारका थाना क्षेत्र में विदुर नगर में रहने वाले शिवम प्रजापति नामक युवक ने अपने घर में फांसी लगा ली। दरअसल रविवार को रक्षाबंधन का त्योहार था। परिजन रक्षाबंधन मनाने के बाद मंदिर गए थे। इसी दौरान शिवम घर पर अकेला था। शाम को परिवार घर लौटा तो घटना की जानकारी लगी। तत्काल युवक को फंदे से उतारकर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार युवक ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया इसकी जानकारी नहीं लग पाई। कल दिनांक 22/8/21 रात्रि करीब 8 बजे 9 बजे थाने से पुलिस के थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि मृतक शिवम पिता संतोष उम्र 21 साल निवासी विदुर नगर इंदौर, उसके पिता इलाज वास्ते अस्पताल में लेकर आए थे, जहाँ डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित किया गया, जिस पर से मर्ग इंफॉर्मेशन पुलिस थाना दौरकापुरी पर कार्यान्वित किया गया। मृतक ने 3 बजे मृतक का परिवार माता पिता छोटा भाई के साथ में, फिर 3 बजे के बाद मृतक के माता पिता और भाई मंदिर में चले गए। मृतक घर पर अकेला था। शाम को जब 6 बजे मृतक का परिवार घर आया तो अंदर से घर लॉक था। मृतक के परिजनों द्वारा खिड़की का कांच फोड़कर गेट खोला गया। जब अंदर घर में गए तो मृतक फांसी के फंदे पर था। पश्चात परिजनों द्वारा उसको उतार कर अस्पताल ले गए। कारण या सुसाइड नोट सामने नहीं आ पाया। जो भी कारण अभी सबके जांच में जो भी कारण सामने आएंगे उस पर विधानी कार्रवाई की जाएगी। मतलब क्या काम था? मतलब वो क्या 12वीं की पढ़ाई करता था, 21 साल उम्र थी इसकी, और पार्ट टाइम मेडिकल पे काम करता था। चूंकि सर कल राखी का त्यौहार था और क्या लगता है परिजनों पूछताछ में क्या सामने आया कि बहन ने थी मम्मी ने राखी बांधी हो, तो इसका कुछ ऐसा कुछ कारण सामने आया परिजनों ने क्या बताया? नहीं है अभी तक ऐसा कोई कारण सामने नहीं आया। परिजनों पर भी के द्वारा भी किसी पर शंका सुबह जाए नहीं की गई है, और जो भी आएगा कारण फिर उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। द्वारका थाना पुलिस के अनुसार युवक 12वीं का छात्र था और वर्तमान में मेडिकल की दुकान पर काम कर रहा था। परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। द्वारकापुरी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।